फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग पे, पहले व्लॉग पे। और आज मैं हूँ पूना के शनिवार वाड़ा में, देख सकते हैं आप मेरे पीछे। और ये शनिवार वाड़ा जो है, वो बाजीराव ने बनवाया था उनका स्टैचू। ये 1730 में बनवाया है। और पूना में ऐसी बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, लेकिन मैं आज यहाँ पर आया हूँ क्योंकि पूना में यही एक प्लेस ऐसा है जहाँ पर अगर कोई नया आदमी आता है तो सबसे पहले यही आता है देखने के लिए। दोस्तों, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इसका मेन गेट ये है दिल्ली दरवाज़ा। दोस्तों, अगर आपने तुम्बाड़ फिल्म देखी होगी तो उसमें जो वाड़ा दिखाया गया था, तो वो वाड़ा जो है वो रियल लोकेशन है। और वो पूना से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा है, वो वहाँ का है। और उस वाड़े का डिज़ाइन इस शनिवार वाड़ा के इस पोर्शन से रेफरेंस किया गया था, रेफरेंस लिया गया था उसके लिए। अभी हम जाएंगे यहाँ ऊपर। ये रस्सी अब यह इसलिए बांधी गई है ताकि कोई रस्सी के उस पार ना जा सके। और ये इस महल का नगार खाना है, और ये बिल्कुल दिल्ली दरवाज़ा के ऊपर है। और ये इस नगार खाने की सीलिंग देखिए आप, प्योर लकड़ी की, उसी समय की है। और ये देखिए इस नगार खाना से पूरा शनिवार वाड़ा। अगर आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी तो उसमें भी ये वाड़ा पूरा दिखाया गया है। और यकीन मानिए, जितना बड़ा भव्य और विशाल ये वाड़ा उस फिल्म में दिखाया गया था, ये बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से अभी आप जो देख रहे हैं सिर्फ यही जो है अवशेष अभी बचे हैं। इस पोल का इस्तेमाल उस समय बड़ी बड़ी मशाले रखने के लिए किया जाता था। और देखिए, आज लोग इस पोल का इस्तेमाल करते हैं अपना नाम लिखने के लिए। ये देखिए, यहाँ से पहरेदार बाहर नजर रखता होगा। यहाँ से नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे जाने के लिए यहाँ पर ऐसे बहुत रास्ते हैं, 10-12 तो हो गए ही। और ये देखिए एक और, ये फवारा हुआ करता था शायद उस समय में। इस बोर्ड पे पूरा इसका इंफॉर्मेशन लिखा है, इस वाड़े के बारे में, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन कब हुआ था।
दोस्तों ये है मस्तानी दरवाज़ा, और मस्तानी तो आप सब लोगों को पता होगी, बाजीराव पहले बाजीराव की पत्नी थी। और मस्तानी इस महल से बाहर जाने के लिए इस दरवाज़े का इस्तेमाल करती थी, इसीलिए इस दरवाज़े को ऑब्वियसली कहा जाता है मस्तानी दरवाज़ा। और ये है खिड़की दरवाज़ा, इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें बनी है छोटी सी खिड़की। ये इस छोटी सी खिड़की की वजह से इस दरवाज़े को खिड़की दरवाज़ा बोलते हैं। ये है वाटर रिजर्वर, पानी को मतलब स्टोर करने के लिए। पूरा पत्थर से बना है और अंदर की दीवारें जो है वो ईंट और चूने से बनी है। स्टेप्स पहले थी शायद यहाँ पर, बाद में बंद कर दिया होगा। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये सीवेज सिस्टम उस समय की, खराब पानी बहने के लिए यहाँ से ऐसा सीवेज पाइपलाइन तैयार किया गया होगा। और ये पानी का एक और टैंक जिसे मराठी में कहा जाता है हौद। ये मेरे पीछे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं इसका नाम है नारायण दरवाज़ा, और इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाजीराव के जो बेटे थे नाना साहब, उनके तीन बेटे थे, विश्वास राव, नारायण राव और माधव राव। उनके जाने के बाद, मतलब नाना साहब के जाने के बाद, सिचुएशंस कुछ ऐसी हुई कि गद्दी पर जो है उनके सबसे छोटे बेटे नारायण राव, उनको बैठना पड़ा। और ये बात उनके चाचा को पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने साजिश रच के उनकी हत्या करवा दी, और उनकी बॉडी रात को इसी दरवाजे से बाहर निकाली गई थी, और इसी वजह से इस दरवाजे को कहा जाता है नारायण दरवाज़ा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो पूरा देख रहे हैं आप, जो अभी पूरा मतलब खंडहर बन चुका है, यहाँ पर टू स्टोरी बिल्डिंग थी, दो मंजिला इमारत। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे दरवाज़े मिल जाएंगे जो बाद में यहाँ पर लगाए गए, और बहुत सारे कमरे या फिर ऊपर जाने के रास्ते अब बंद कर दिए गए हैं। और ये है कुआं, वाड़े में रहने वाले जितने भी लोग थे उन सब के लिए इस कुएं के पानी का यूज़ किया जाता था। ये अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बगीचा तैयार किया गया है, लेकिन ये बगीचा उस वक्त भी था जब भी इस वाड़े में लोग रहते थे। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये जो कमल के आकार का ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये एक हज़ारी कारंजे इसको कहा जाता था, और लिटरली इस पर 1000 फवारे थे लिटरली।
दोस्तों यहाँ पर 1828 में एक आग लगी थी, एक भयंकर आग लगी थी, उसमें पूरा वाड़ा जो है जलकर खाक हो गया था। ये आग इतनी मतलब बड़ी थी कि इसे बुझाने के लिए 7 दिन का समय लगा था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो आग क्यों लगी थी, इसका रीज़न आज तक किसी को नहीं पता है। और अंग्रेज़ जो मतलब पूरे हरकतों का रिकॉर्ड रखते थे अपने पास, उन्होंने भी इस आग के पीछे की रीज़न और उसे बुझाने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया था, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।